या जितने ऑफ रोडर्स मैंने देखे हैं, जितने जो थार की डीप नॉलेज रखते हैं, जीप्स की डीप नॉलेज रखते हैं, उनका यही रिव्यू है कि यार हार्ड टॉप करा के वो थार नहीं रहती, वो कार बन जाती है। तो फिर कार और थार में अगर कोई डिफरेंस नहीं रहा तो फिर क्या फायदा थार का? मैं तो अभी तक मजे में हूँ। हाँ नो डाउट कभी कभी पॉकेट को चुभती है क्योंकि एवरेज बहुत कम है, बट जो शौक पालना तो पैसे नहीं देते। फैमिली कार नहीं है, फैमिली कार ये मेरे को लगता है ना के बराबर है, एक ही है जी सीट बेल्ट। हेलो जी, मेरा नाम है सिमरन बिंद्रा और आज हम आए हैं रंजीत सागर डैम के पास। इसका नाम है पतन, जगह का नाम है पतन पतन, एंड गाड़ी है हमारे पास महिंद्रा थार, एंड इसका हम ओनरशिप रिव्यू करेंगे। तो हमारे साथ है हमारे साले साहब जिनका नाम है ऋषभ महिंद्रा। सो ऋषभ जी, गाड़ी के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताइए, कौन सा मॉडल है, कब आपने ली थी, कितने की आपको पड़ी है, और इन जनरल यूथ का मेनली होता है कि थार लेंगे। हाँ जी बिल्कुल भाजी, तो आप यूथ में से एक हैं, गरम खून, तो आपको थार कैसी पड़ गई है? गरम। सी दिस इज 2018 मॉडल महिंद्रा थार टॉप मॉडल, मैंने ये 2016 ऑफ जनवरी को खरीदी और अपने आप को खुद को बर्थडे गिफ्ट किया था। ये मुझे पड़ गई तकरीबन 8.5 लाख की, जिसके अंदर मेरा एक इसका फुल इंश्योरेंस था, दैट वॉज अराउंड 22,500 रुपीज उसकी कॉस्ट आई थी, और जो ट्रांसफर के चार्जेस होते हैं वो सब कुछ था। सो दिस इज 2498 cc द बीस्ट 4x4। बाकी इसके साथ मुझे जो चीज़ें मिली, मुझे लगाया मिला था दिस इज केंडा का मड टेरेन टायर विथ 15 inches अलॉय स्टील रिम। इसकी जो हेडलाइट्स हैं, दीज आर LED पावर्ड हेडलाइट, ये भी आफ्टर मार्केट है, फुट नकल्स भी आफ्टर मार्केट है, और अंदर म्यूजिक सिस्टम एंड बेस एंड ऑल पावर विंडोज, ये सब कुछ मुझे पहले से लगाया मिला। ऑल एंड ऑल इट वाज अ वेरी गुड डील फॉर मी। रेस्ट जो आपका सवाल था कि यूथ इसके पीछे भागती है, मेरा एक्चुअली पहले काफ़ी छोटे होते से शौक रहा है, ऑफ रोडिंग का भी कह सकते हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स का कह सकते हो। आई यूज टू हैव दैट R15, यू नो दैट, उस पर भी हमने अपने शौक के लिए ली थी, ये भी शौक के लिए लिए। और बाकी ये है कि पंजाबी गाने ने बड़ा इन्हों चढ़ाया है, तो ये चीज़ भी वो हैगी इन्हों चढ़ाया जाए। बाकी तुम वेख सकते हो जी लोकेशन से आप आए हैं, जिमें आए हैं, इट वॉज क्वाइट अ डिफिकल्ट टेरेन, यू कैन से इसको कुछ नहीं होता, इसको जहाँ मर्जी ले रहा। हाँ बड़े मोटे रगड़े लग जाते हैं वो, उतना जो है कौड़ा कोट करके सना का। बाकी और आपको कैसी लगी मेरी गाड़ी? मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, स्पेशली जो मॉड्स आपने करा रखे हैं, जो कि आपको पहले से मिले जस्ट बिकॉज आपने सेकंड हैंड ली है, ठीक है। इसमें आपका जो फ्रंट बम्पर है वो आपने जो कंपनी फिटेड आता है उससे बदला हुआ है, हेडलाइट्स बदली हुई हैं, उसके बाद आपने नकल्स लगा रखे हैं, और टायर्स बहुत स्पेसिफिकली, एक जो आउटलुक आता है थार का स्पेसिफिकली, जब आप कंपनी से ले रहे हैं तो अगर उसका टॉप मॉडल भी आ रहा है तो उसकी जो टायर की फिट होती है वो काफी कम रहती है। हाँ इससे तो काफी कम रहती है। 2018 ऑल टेरेन टायर, ऑल टेरेन, दिस इज स्पेसिफिकली एम्प्टी, बिकॉज इदी लुक थार दी जे तुसी कहो ना एक रगेड लुक, वो एम्प्टी नाल ही हंदी, इदे तो भी एक बड़ा साइज पैंदा है, वो चलो मैनू तो लगा पया नहीं, तो मैं वो पाउणा जदों ये किस जाणगे तब हम उसको भी लगाएंगे, देखेंगे तब की तब, बट अभी के लिए मेरे लिए इट वॉज दी बेस्ट बाय। लोग कहते ना गाड़ी लो महीने बाद आप शौक पूरा हो जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नथिंग ऐसा कुछ नहीं। मैंने जब से गाड़ी ली है मेरा अभी तक शौक ही नहीं खत्म, इट इज़ अ हेड टर्नर। जब आप जाते हो लोग, मतलब ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा कि सारे ही देखते हैं, बट जो लोग थार को पसंद करते हैं क्योंकि ये सबकी पसंद होती है। एंड वो मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि हम लोग एक बारी मैक्लोडगंज की तरफ गए थे, नियर अबाउट लॉकडाउन से पहले गए थे, एंड जहाँ जहाँ से भी हमने वो गाड़ी निकाली है लोगों ने पूरा घूम के देखा है और वो देखते हैं। इवन मैं भी जब मेरे पास थार नहीं थी, I20 थी, मैं भी थार को देखता था, वाह यार वाकई बंदे ने प्यार कर।
दिल्ली में एक्चुअली मेरे जो मामू के बेटे हैं उनके पास भी था, उन्होंने ब्रांड न्यू खरीदी थी 2019 मॉडल, दिवाली पे उन्होंने ली थी पिछले साल। दिल्ली में भी ये कंपटीशन चलता है, कंपटीशन कह सकते हो कि एक दूसरे की थार को देखती है यार इसने क्या मॉड्स करा। ही स्पेंट अराउंड 178,000-175,000 रुपीज, उन्होंने उसमें काफी सारे चेंजेस कराए, नो डाउट मैंने भी कराने ही। उन्होंने हार्ड टॉप कराया, मैं इसको सेमी हार्ड ही कराऊंगा, क्योंकि एक जो जीप है ना, पहले जोंगा आते हैं, जीप अच्छी ही तब लगती है जब उसके ऊपर ये लगा। अगर आप इसको हार्ड टॉप करा लो उसका कोई फायदा नहीं। ये कैनोपी जो है इसी से एक जीप की लुक आती है मेरे हिसाब से, या जितने ऑफ रोडर्स मैंने देखे हैं, जितने जो थार की डीप नॉलेज रखते हैं, जीप्स की डीप नॉलेज रखते हैं, उनका यही रिव्यू है कि यार हार्ड टॉप करा के वो थार नहीं रहती, वो कार बन जाती है। तो फिर कार और थार में अगर कोई डिफरेंस नहीं रहा तो फिर क्या फायदा थार का। बाकी मैं तो अभी तक मजे में हूँ। हाँ नो डाउट कभी कभी पॉकेट को चुभती है क्योंकि एवरेज बहुत कम है, बट जो शौक पालना तो पैसे नहीं देते, अपना ये फंडा। बुलेट भी अपना तुम्हें पता है 2007 मॉडल ओल्ड मॉडल रखा है, भी एवरेज उवरेज है नहीं, एदी भी है नहीं, चलता है। फिर भी कितना एवरेज दे देती है आप? सी ऑन हाईवे जब मैं चंडीगढ़ जाता हूँ यहाँ से मान लो तो मिल जाती है कोई 8-10 की, शहर में 6-7 इससे ज्यादा कभी देखी नहीं मैंने। मतलब ये आफ्टर एवरी 2-3 डे में कोई 3,000 का तेल 2,000 का तेल डलवाना पड़ता है, वो डलवाने ही पड़ते, तो चलो अपने खर्चे निकल जाते हैं। और अगर एक मतलब फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या आप किसी फैमिली वाले बंदे को रिकमेंड करेंगे कि वो नेवर नेवर ये फैमिली कार नहीं है, फैमिली कार ये नहीं है। इसके अंदर आप जस्ट यंगस्टर्स बैठ सकते हो, फैमिली को अगर आप लेके जाओ तो समझो आपने फैमिली से गालियां ही खा ली है। इसमें एक और भी बहुत घटिया चीज मेरे को जो लगती है, ठीक है, वो है इसकी जो बैक की सीटिंग है, पीछे पैरेलल सीट्स दे रखी हैं बहुत ही घटिया तरीके से। और स्प्रिंग्स कौन से हैं पीछे? ये मैंने नहीं पता, मैं चिमटे वाला सस्पेंशन इंग्लिश से की कहते हैं ये कि इसको ये खाली है, मतलब पीछे डाला ही है और कुछ नहीं है। जितना ज्यादा लोड होगा उतना ही, समझ लो ये गाड़ियों का बुलेट है, बुलेट जितना ज्यादा लोड हो उसमें वो उतना स्मूथ चलता है, सेम थार जितनी ज्यादा लोड हो उतना स्मूथ चलता है। जैसे पीछे इसमें 6 बंदे बैठ जाते हैं आराम से, आगे 2, उस समय गाड़ी चलती बहुत स्मूथ। जब अकेले 2 बंदे या पीछे 1-2 पतले पतले जैसे हमारे भाई बिठाए हुए थे हमने, तो ये गाड़ी उछलती उछलती। इसके लिए चाहिए इसको लोड, अगर इसी में अगर हम हार्ड टॉप करा लेते हैं तो वो काफी हद तक मेंटेन हो जाता है। बाकी अभी मैंने देखा था कुछ यूट्यूब क्या नाम वीडियोस देखी थी जिसमें उन्होंने पीछे भी स्प्रिंग सस्पेंशन कराया है, अब पता नहीं उसमें कितना खर्चा आता है कितना नहीं वो हम बाद में देखेंगे, बट ऑल एंड ऑल अभी के लिए ये बेस्ट है, यंगस्टर्स के लिए बेस्ट है, शौक वालों के लिए बेस्ट है। और जैसे कोई यंगस्टर ये गाड़ी लेने का सोचता है फैक्ट्री से ले रहे हो तो आप कौन कौन से मॉड्स उसे रिकमेंड करेंगे कि ये तो करवाने की करवाने हैं, अगर थार ली और ये ना करवाए तो मतलब थार नहीं लिया? देखो पहली बात तो रिकमेंडेशन ये होगी कि नई गाड़ी मत लो, ठीक है, सेकेंड हैंड अच्छी गाड़ियां मिल जाती है थोड़ी ढूंढनी पड़ती है वो लो, क्योंकि नई गाड़ी में इसके साथ कुछ नहीं आता, सिर्फ एक जो है अभी के लिए नए मॉडल में क्या आया क्या नहीं वो मुझे पता नहीं, बट अभी नया मॉडल आ रहा है एक कार, उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको 4x4 आपकी गाड़ी और एसी, मतलब इंजन और एसी मिलेगा, आपको पावर विंडोज खुद से इंस्टॉल करानी पड़ेंगी, म्यूजिक सिस्टम खुद से इंस्टॉल कराना पड़ेगा, टायर्स आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ेंगे, लाइट्स फॉर दी लुक्स, इफ आई शो यू दी इंडिकेटर्स, ये जो रिंग लाइट्स है कि एंजल लाइट्स पहले R15 में हम लगाते होते थे, ये उसका लुक है, ये लगाने से सिर्फ लुक में डिफरेंस आ रहा है, नो डाउट लाइट ये भी पावरफुल है, जो कंपनी से आती है वो भी पावरफुल, नकल्स जस्ट फॉर दी लुक ये स्टेनलेस स्टील के हैं, ये लुक्स थोड़ी सी अच्छी कर देते हैं। हाँ बम्पर आप जो है ये भी ओरिजिनल बम्पर ही है, इसके साइड में सिर्फ एक रबर हब्स होती है, हब कह लो या वो प्रोटेक्शन गार्ड होता है वो उतार दिया हुआ है, वो आप उतार दो ऐसी लुक आ जाएगी। What about the grill? Which one? Grill. ये ग्रिल इसकी जो है अपना इसके ये कंपनी फिटेड आती है फैक्ट्री फिटेड है, एंग्री बर्ड ग्रिल मैंने लगाई नहीं अभी तक, इफ यू वांट यू कैन हैव इट, अदरवाइज मेरे को तो ऐसे बहुत अच्छी लगती है यार, लुक एट दी ब्यूटी। एंड अगर हम फैक्ट्री फिटेड ले रहे हैं जितने भी मॉड्स आपने करवा रखे हैं तो अगर कोई बंदा फैक्ट्री से लेता तो कितना खर्चा पड़ जाएगा?
कितना का खर्चा लमसम कि मतलब ऐसी एक आउटलुक निकल के आ जाए थार फैक्ट्री पे ट्रिप कम से कम 1 लाख 1-1.5 लाख तक हम सोच रहे हैं 1 लाख मिनिमम है कॉज लाइक टायर्स आर एक्सपेंसिव राइट अलॉयज आर एक्सपेंसिव नो डाउट कुछ जो मर्चेंट्स है वो ऐसा कर रहे थे कि आपका स्टॉक वाला रख लेते हैं उसको कुछ जो है डिस्काउंट आपको दे देते हैं राइट फिर ब्रांड पर डिपेंड करता है टायर कौन से ब्रांड का ले रहे हो उसके हिसाब से एक्सपेंसिव हो जाएगा अब ये लाइट जो है ये बुलेट वाली लाइट होती है वैसे अब मेरे को नहीं पता ये उन्होंने कितने की लगाई लेकिन जिन्होंने से ली उन्होंने मेरे को बताया था कि इसमें 8,000 रुपये का खर्चा आया जो कि मुझे नहीं लगता आया होगा क्योंकि बुलेट की लाइट 1100-1200 से शुरू हो जाती है 2500 की एक लाइट होगा 5000 का दो सेट होगा या चलो XYZ कुछ भी होगा बाकी और तो इसमें एक्स्ट्रा मैंने कुछ लगाया नहीं अभी तक और आजकल जैसे जो 2020 कार आ रही है उसमें काफी हद तक सेफ्टी को आगे प्रमोट किया गया 6 एयरबैग्स के साथ आ रही है और बहुत सारी चीजें सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इसमें दी है तो इसमें कुछ सेफ्टी की फीचर्स आप जो हमें बता पाए मेरे को लगता है ना के बराबर है एक ही है जी सीट बेल्ट सीट बेल्ट वो साड़ी मारुति 1996 मॉडल जो भी है उसके अलावा सेफ्टी के लिए सी मेन ये होता है कि गाड़ी कोई भी लो सेफ्टी आपके ऊपर ही डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरह से चला रहे हैं अब ये एक ऑफ रोडिंग व्हीकल हैवी व्हीकल है इसको ज्यादा स्पीड में चलाता कोई राइट अब ऑफ रोडिंग के लिए कहीं जा रहे हो तो गाड़ी ओवरटर्न हो सकती है तो अब जैसे जो बेस मॉडल्स हैं कोई भी गाड़ी का ले लो उसमें 2 एयरबैग आते हैं अगर गाड़ी ओवरटर्न हो गई है तो वो भी नहीं खुलेंगे वो आगे से जब तक ना हिट हो तब तक वो एयरबैग नहीं खुलेंगे राइट तो इसको ज्यादा स्पीड में मत चलाओ अपने शौक के लिए प्यारे प्यारे के ना हले हले चली जाओ क्या इसमें मजा बाकी इसको क्या होगा पूरा लोहा है मैंने चलो जितना का मेरी नॉलेज है मैंने जितनी भी जो है वीडियोस देखे हैं एक्सीडेंट्स की या कुछ थार के एक्सीडेंट्स बहुत कम देखे और अगर देखे भी तो थार को कुछ हुआ नहीं होता ओवरटर्न करेगी अब देखो ये कनोपी है ये तो तिरपाल है इसने तो कुछ सेव करना नहीं ओवरटर्न होगी तो आप गए गए आगे से बजोगे तो शायद आपको बम्पर जो है हेल्प कर दे कॉज लोहा है पूरा का पूरा ये लोहा है उसको मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होना चाहिए हाँ चिमटे इसके बैंड हो सकते हैं काफी कुछ चीजें हो सकती है बट प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के है नेगेटिव लेके ही ना चलो सेफ्टी के लिए बस ये कि सेल्फ सेफ्टी के नजारे चेक करो विद मून रूफ वाह जी वाह मजे हैं भाई साहब थार इज लाइक नेक्स्ट लेवल कार जो मर्जी हो भाई साहब थार थार है आहा मजा आ गया यार गाड़ी चला के